जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस, आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो दैट इज द इकोनॉमिक्स रिवीजन फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। ये वीडियो आपके लास्ट मिनट रिवीजन्स के जो भी डाउट्स हैं उसको सबको सॉर्ट कर देगी। सो इस वीडियो में कराए हुए कॉन्सेप्ट्स को आप प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ PYQs दिखाऊंगा, ठीक है? उन PYQs को आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। कमेंट्स में आप उनका आंसर दे सकते हैं। उस PYQs के आंसर्स में आपको बताने के बाद हम उन कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ PYQs हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यूपीएससी एग्जामिनेशंस, और इसमें सारे जो रिसेंटली कवर किए गए हैं टॉपिक्स उनको भी हमने ऐड किया है जो न्यूली एडेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको तेंदुलकर रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है? बहुत सारी रिपोर्ट्स, मिसलेनियस रिपोर्ट्स आपको पूछी जाती है और उनका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। इसका अगर आंसर देखें, द आंसर्स ये हैं आपके सामने, ठीक है? अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज दिखाऊंगा। उन इंपॉर्टेंट कमिटीज के हम सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है रंगराजन कमेटी, और ये जितनी भी कमिटीज हैं, ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी कमेटी सेटअप होती हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स के रिफॉर्म्स करने के लिए, बट उसमें से मैं आपके लिए टॉप 50 या सबसे इंपॉर्टेंट 50 रिपोर्ट्स और कमिटीज आपके सामने लेके आया हूँ। रंगराजन कमेटी जो है वो डिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करती है, उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट के लिए रिफॉर्म्स बताए थे गवर्नमेंट को। देन नरसिम्हन कमेटी फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, केलकर कमेटी फॉर टैक्स रिफॉर्म, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मल्होत्रा कमेटी फॉर इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, आबिद हुसैन कमेटी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बैजल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, चक्रवर्ती कमेटी फॉर वर्किंग ऑन द मॉनिटरी सिस्टम एंड मॉनिटरी पॉलिसी, दीपक पारेख कमेटी टू रिवाइव यूटीआई, हनुमंत राव कमेटी ऑन फर्टिलाइजर्स, पारिक कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, राजा चेलिया कमेटी फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, टंडन कमेटी सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग बाय द बैंक्स, तारापुर कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, वाघुल कमेटी मनी मार्केट इन इंडिया, वाई वी रेड्डी कमेटी इंपॉर्टेंट है रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स, अभिजीत सेन कमेटी फॉर लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी, अथरेया कमेटी फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ IDBI, भूरे लाल कमेटी इंक्रीज इन दी मोटर व्हीकल टैक्स, देन बिमल जुल्का कमेटी वर्किंग कंडीशंस ऑफ दी ATCOs, CB भावे कमेटी फॉर कंपनी इंफॉर्मेशन, चंद्रशेखर कमेटी इंपॉर्टेंट है फॉर वेंचर कैपिटल, चंद्राते कमेटी ऑन डी लिस्टिंग इन द शेयर मार्केट, चोरे कमेटी रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ द कैश क्रेडिट सिस्टम, दवे कमेटी ऑन पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, धानुका कमेटी ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर रूल्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट, जीवी रामकृष्णा कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, गोईपारा कमेटी ऑन इम्प्रूवमेंट इन दी सर्विसेज सेक्टर इन कोऑपरेटिव बैंक्स, JR वर्मा कमेटी ऑन करंट अकाउंट, जानकी रमन कमेटी ऑन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, JJ ईरानी कमेटी ऑन कंपनी लॉ रिफॉर्म्स, खान वर्किंग ग्रुप डेवलपिंग ऑन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, महाजन कमेटी शुगर इंडस्ट्री, मेलगम कमेटी रिफॉर्म्स इन द प्राइमरी मार्केट एंड रीपोजिशनिंग ऑफ UTI, मराठे कमेटी रिकमेंडेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मसहेलकर कमेटी ऑटो फ्यूल पॉलिसी, मैकेंजी कमेटी मर्जर ऑफ सेवन एसोसिएट्स विद द SBI, मीरा सेठ डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, प्रसाद पैनल इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज, RV गुप्ता कमेटी स्मॉल सेविंग्स एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट, SP तलवर इंपॉर्टेंट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एस तेंडुलकर कमेटी आपके रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन एंड कैलकुलेशन फार्मूला आपके CAPF में भी पूछा जा चुका है, CDS में भी पूछा जा चुका है, और अब मोस्ट लाइकली मे बी आपके NDA एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है। सप्तऋषि कमेटी डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री, शाह कमेटी ऑन NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, SL कपूर कमेटी क्रेडिट एंड फ्लो प्रॉब्लम SSI, SN वर्मा कमेटी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उदेश कोहली कमेटी एनालाइज फंड रिक्वायरमेंट एंड पावर सेक्टर, UK शर्मा कमेटी नाबार्ड रोल, वासुदेव कमेटी NBFC रिफॉर्म्स, के कनन कमेटी मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, कुमार मंगलम बिरला कमेटी फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस, NK सिंह कमेटी फॉर द रिव्यू ऑफ FRBM एक्ट। तो ये हैं इंडिया की टॉप 50 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कमिटीज और उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो भी जितने भी PYQs क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं सबका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
Which of the following does not show an improvement in the rural areas from National Family Health Survey 4 as compared to 5? So the correct answer is option number B, obesity in women. इसके डेटा में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है. अब हम थोड़ा सा NHFS के बारे में पढ़ लेते हैं. NHFS की फुल फॉर्म क्या है? इट इज द नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे. ठीक है, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. नंबर 5 इसके आगे क्या है? ये इसकी फिफ्थ रिपोर्ट है. फिफ्थ वर्जन है इसकी रिपोर्ट का. इज अ रीसेंट राउंड ऑफ सर्वे कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फीमेल. द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आर मेंशन बिलो. NHFS क्या करता है, इन कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करता है. इंडिया में डेटा कलेक्ट किया जाता है और वहां से हमें आइडिया लगता है कि भाई फैमिली वेल्थ, फैमिली हेल्थ कैसी चल रही है, देश में ओवरऑल हेल्थ के क्या स्टैंडर्ड्स हैं. सो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जिसमें NHFS डील करता है? सबसे पहला है पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल. ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द NHFS रिव्यू या NHFS ऑडिट. मैरिज एंड फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शंस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिलीवरी केयर, वैक्सीनेशंस, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीजेस, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, अनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कैंसर एग्जामिनेशन. इन सारे हेड्स के ऊपर सर्वे किया जाता है और फिर वो डेटा पब्लिश किया जाता है. सो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो फिफ्थ रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था, द टोटल सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर किड्स बॉर्न विद इन द लास्ट 5 ईयर्स इंक्रीज फ्रॉम 919 टू 920. ठीक है, 2015-16 में ये रेशियो 919 था पर 1000 और अब 929 हो गया है. हाउस होल्ड दैट हैव एटलीस्ट 1% कवर्ड बाय अ हेल्थ केयर इंश्योरेंस और फाइनेंस प्लान इंक्रीज फ्रॉम 28.7 टू 41%. मतलब घर में किसी एक आदमी का मिनिमम उसने हेल्थ इंश्योरेंस या अपना फाइनेंस कराया हुआ है. हेल्थ का फाइनेंस पहले 28% हाउस होल्ड में था, वो बढ़ के 41% हाउस होल्ड हो चुका है. द परसेंटेज ऑफ 20 to 24 year old गर्ल्स हु गॉट मैरिड अंडर द एज ऑफ 18 हैज डिक्रीज. ठीक है, सो जो 18 के आसपास जिनकी मैरिज होती थी, अंडर एज जो मैरिज होती थी, वो इंडिया में डिक्रीज की है फ्रॉम 26.8% टू 23.3%. द एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट वुमेन एज 15 to 19 लाइकवाइज ड्रॉप फ्रॉम 51% टू 43%. रूरल इंडिया हैड नियरली ट्वाइस एज मेनी पीपल 49 एज अर्बन इंडिया इन 27. The NMR, the neonatal mortality rate has dropped to 24.9 per 1000 live birth. ये वो mortality rate होता है जो बिल्कुल newborn childs के साथ जो होता है ना, उसके लिए होता है. And the infant mortality rate has also dropped from 35.2% live birth. तो आपसे data में पूछा गया था कि कौन सा drop नहीं हुआ है, किसमें improvement नहीं आया. तो इन सब में improvement देखा गया है, बस obesity in women में improvement नहीं देखा गया था. Next question. Which of the following is a part of capital receipts of the government of India? Government of India की capital receipts का कौन कौन सा part होता है? So इसका correct answer है option number D. Arrange the following sources of the revenue. ठीक है, जो भी government ने revenue earn किया है उसको आपको arrange करना है from largest. So the correct answer is B. Customs, then union excise duty, फिर GST and corporation tax. Which one of the following statement regarding GST is not correct? So the correct answer is C. Precious metals are taxed at a rate of 1% under GST. अब हम थोड़े से बजट के और बैंकिंग टैक्सेस के प्रोविजंस देख लेते हैं. ये हमारा इस साल का बजट का डेटा है. ठीक है, दिस इज अ डेटा फॉर 2024 बजट, जो रीसेंट बजट है. सो रुपी कम्स फ्रॉम का मतलब होता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या हमारे देश ने पैसा कमाया कहाँ से, अर्न कहाँ से किया. ठीक है, सो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 100 रुपीज का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 100 रुपये अगर हमारे देश ने कमाए हैं तो उसमें से सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है पैसे कमाने का वो है बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज. मतलब 27 रुपये जो हैं वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आए हैं. देन सेकेंड जो सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, दैट इज द इनकम टैक्स, दैट इज 19%. थर्ड सबसे बड़ा जो सोर्स है दैट इज GST एंड अदर टैक्सेस 18%. फिर उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स, दैट इज नियरली 17%. तो आपको ये अरेंजमेंट किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको फ्रॉम लोएस्ट टू लार्जेस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट दोनों ऑर्डर पूछ सकता है. ठीक है, जैसे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछा था. फिर इसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद आती है हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, फॉलोड बाय आर यूनियन एक्साइज ड्यूटी विच इज 5%, कस्टम्स 4% एंड नॉन डेब्ट कैपिटल विद 1%. तो ये है हमारे पैसे अर्न करने का सोर्स. तो आपको टॉप 4 सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिसमें से पहला है बोरोइंग, दूसरा है इनकम टैक्स, थर्ड है GST एंड अदर टैक्स एंड फोर्थ है हमारा कॉरपोरेट टैक्स. अब पैसा खर्च कहाँ होता है? ये जो पैसा हमारी गवर्नमेंट ने कमाया है, देश ने कमाया है, खर्च किन किन चीज़ों जगह पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑन
द स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो हम स्टेट्स के साथ जीएसटी का पैसा शेयर करते हैं, या जो ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज जो स्टेट्स के साथ शेयर की जाती हैं, दैट इज 21% एक्सपेंस, फॉलोड बाय आर इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन लिए होते हैं उसका इंटरेस्ट जो पेमेंट करना होता है उसका शेयर इज 19%, फॉलोड बाय सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम्स चलाती हैं मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, इंडस्ट्रीज में, उसका जाता है 16%, देन फॉलोड बाय फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9%, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, जो प्रधानमंत्री, जो ऐसी स्कीम्स होती हैं जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया चलाती है, जैसे मनरेगा है, उज्ज्वला स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, उन सब में 8% एक्सपेंडिचर हो रहा है, अदर एक्सपेंसेस अकाउंट्स टू 9% एंड पेंशंस अकाउंट टू 4% ऑफ आर रेवेन्यू। तो ये है हमारा रुपी कम्स फ्रॉम और कहाँ हमारा पैसा स्पेंड हुआ है। अब स्पेंड के याद से हमें ये पता होना चाहिए कि इस बजट में कौन से सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट हुआ है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर देखा गया है वो अगेन डिफेंस पे किया गया है, अराउंड 450,000 crore रुपीस हैज़ बीन गिवन टू डिफेंस। रूरल डेवलपमेंट के लिए 265,808 crore रुपीस एलोकेट हुआ है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए ऑलमोस्ट 1.5 lakh crore, होम अफेयर्स को 1.5 lakh crore, एजुकेशन को 1.25 lakh crore रुपये, IT एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 1,20,000, हेल्थ केयर को 89,287 crore, एनर्जी सेक्टर को 68,000, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए 56,000 एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए 47,000 crore रुपए एलोकेट इस बार किए गए हैं। अगर हम कुछ स्कीम्स देखें जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, उसमें स्पेंडिंग अगर आप देखेंगे तो मनरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है, उसमें पिछले बजट में अराउंड 60,000 crore रुपए दिए गए थे, बट इस बार उसको बढ़ा के 86,000 crore रुपए इस स्कीम में डाले गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,200 crore रुपए एलोकेट किए गए हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 2,200 crore रुपए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए ऑलमोस्ट 2,000 crore रुपीस। डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में 6,900 crore रुपए दिए गए हैं, ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया इसका बजट। सोलर पावर के लिए 10,000 crore रुपए का एलोकेशन है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG 1,500 crore रुपए एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट अंडर द आइडिया स्कीम, दैट इज 3,849 crore रुपए इसके लिए एलोकेट किया गया है। अब अगर हम GST के रेट्स देखें, टैक्सेशन की हम बात कर ही रहे हैं, तो जो GST के रेट्स हैं, GST के आपने देखे आपके देश में 0% होता है जिसमें GST इज एग्जेम्प्टेड, इसमें GST नहीं लगती है, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, नॉन AC होटल अकोमोडेशन है अप टू 1,000 पर यूनिट, और आपके कुछ एक्सपोर्ट्स होते हैं। 0.25% GST लगती है टेक्सटाइल्स के ऊपर, जैसे फैब्रिक्स हैं, यार्न्स हैं, इनके ऊपर लगती है। 3% GST लगती है गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के बार, गोल्ड के कॉइन्स, ठीक है। 5% GST लगती है एसेंशियल आइटम्स एंड सर्विसेज के ऊपर, एग्जांपल प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड आइटम्स, मिल्क, कर्ड, न्यूज़पेपर, बुक्स, होटल अकोमोडेशन जिसमें 1,000 to 2,500 आप खर्च कर रहे हो, एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऊपर भी 5% GST लगाई जाती है। Then the next tax slab is 12% लगता है most processed goods and services के ऊपर। ज़्यादातर जो tax rate आपको देखा जाएगा वो 12% or 18% ही देखा जाता है, जैसे clothing के ऊपर 12% है, footwear के ऊपर 12% है, soap, detergent, restaurants, excluding AC के ऊपर 12%, movie tickets up to ₹100 is 12%, business class में travel कर रहे हो तब भी 12% टैक्स देना पड़ेगा। 18% लगता है मोस्ट जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आप कोई भी परचेज करते हो, अप्लायंसेस, फर्नीचर, हाउस होल्ड आइटम्स, AC रेस्टोरेंट्स, मूवी टिकट्स अबव 100, उसके ऊपर 18% GST लगती है, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हो तब भी। देन लास्ट स्लैब रेट आता है जो हाईएस्ट है GST का कलेक्शन, दैट इज 28%, वो लगता है लग्जरी आइटम्स के ऊपर, जैसे लग्जरी कार्स हैं, बेटिंग एंड गैम्बलिंग साइट्स हैं, पान मसाला एंड एरिएटेड ड्रिंक्स। नाउ बजट की हम लोग बात कर रहे थे, हमने 2024 के कुछ बजट के एनालिटिक्स को एनालाइज किया था, अब हम देख लेते हैं कि बजट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं। सो जो बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा इनकम और एक हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा इन द सेंस कि गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल इनकम क्या होती है, कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जो या तो आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी को बढ़ाएगी या फिर आपके एसेट्स को रिड्यूस करेगी, मतलब ये एक तरीके से वो इनकम है जिससे आपके आपको फायदा नहीं होता, ठीक है। जैसे मेरे पास ये मेरी पॉकेट है, ठीक है, आई एम अ पर्सन ए और मेरी पॉकेट में 0 rupees हैं अभी, ठीक है, 0 rupees है मेरी पॉकेट में, तो मैंने क्या किया, 0 rupees का
किसी से 100 रुपये उधार ले लिए, तो अब मेरी जेब में क्या आ गया, मेरी जेब में इनकम आ गई, मेरे पास तो +100 रुपीज़ आ गए, मुझे तो इनकम हुई, गेन हुई, बट ये जो इनकम है किस एक्सपेंस पे आई कि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का मतलब होता है मेरी देनदारी बढ़ गई, मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, ठीक है, या फिर मेरे कोई एसेट्स नहीं गेन हुए हैं इस कंडीशन में। सो कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जिससे आपको पैसा तो आया बट वो पैसे के साथ साथ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई या फिर आपके एसेट्स रिड्यूस हो गए। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग ऑफ लोन, हमारी देश ने लोन लिया है या हमारी देश ने डिसइन्वेस्टमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल कोई एयरपोर्ट बेच दिया है ना, गवर्नमेंट का एयरपोर्ट था, उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, पैसे तो आ गए सरकार की जेब में बट एक एसेट भी तो लॉस हो गया, एक एसेट भी लॉस हो गया। दूसरी टाइप की इनकम होती है रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम सबसे बढ़िया इनकम होती है, क्यों? क्योंकि ये तो ना तो आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है और ना ही आपके एसेट्स को रिड्यूस करती है। इसका मतलब ये वो इनकम है जो बड़ी ही प्रोडक्टिव होती है हमारे लिए और हमारे देश के लिए, ठीक है। सो दीज आर नॉन टैक्सेस इनकम, जैसे इंटरेस्ट गेन किया है आपने, डिविडेंड मिला है, फीस मिली है, फाइन आपको आपने कलेक्ट किया है, या फिर आपने देश ने टैक्स कलेक्ट किया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इनकम टैक्स क्या है, गवर्नमेंट को सिर्फ बैठे बैठे जेब में उनकी पैसा आ रहा है, ठीक है, और वो जो पैसा आ रहा है वो उनकी लाइबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है, वो एक तरीके का टैक्स है। जैसे आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स ने कोई घर खरीदा है या कोई फ्लैट लिया है, वहाँ से आपको रेंट आता है, या कोई शॉप ली है, तो उस रेंट का क्या होता है, आप वो रेंट बैठे बैठे बढ़िया से कमाते हो, आपका एसेट भी बचा हुआ है और प्लस पैसे भी आपको मिल रहे हैं। सो ये होता है रेवेन्यू इनकम। अब ऐसे ही दो तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ नॉन प्लान्ड, ठीक है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की जाती। और ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है विच इज़ नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब इसको इसके ऊपर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप पैसा खर्च करोगे तो ना तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, मतलब ना तो आपकी लेन देनदारी कम होगी और ना ही आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे। दे आर नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर, दे आर नॉन डेवलपमेंटल एंड दे आर रिकरिंग। रिकरिंग मतलब आपको उसको एक्सपेंडिचर जो है बहुत छोटे छोटे टाइम में करना पड़ेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जैसे 1 ईयर और लेस। फॉर एग्जाम्पल पेंशन, जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती है, आर्मी पर्सनल्स को पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है ना, तो वो पेंशन क्या है, जब जस्ट गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्सपेंडिचर है, उससे ना तो उनके कोई एसेट्स जुड़ रहे हैं ना तो उनके कोई बोरोइंग और लोन्स कम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ओल्ड पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी एंड सब्सिडीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जस्ट इसका ऑपोजिट है, इट इज़ अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। मतलब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप पैसा खर्च करोगे तो आपके देश का डेवलपमेंट होगा, आपके देश का विकास होगा। कैसे, दे आर नोन एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट इनकी प्लानिंग करता है कि कैसे हम अपना फायदा करेंगे। इट आइदर डिक्रीजेस फाइनेंशियल लाइबिलिटी, या तो आपकी जो लोन उधार है वो कम होगा और आपके एसेट्स भी इंक्रीज होते हैं ये वाला एक्सपेंडिचर करके। दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर, दे आर डेवलपमेंट इन नेचर एंड दे आर नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब ये आपको फ्रीक्वेंटली नहीं करने होते, ये आपको 4-5 साल में एक बार करना होता है। दे आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। एग्जाम्पल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, या आपने रेलवे की लाइन्स नई बिछाई हैं, या आपने डिफेंस में एक्सपेंडिचर किया है, आपने रोड नेटवर्क बनाया है, तो उससे क्या होता है, 5 साल में एक एक्सप्रेस वे बना दिया और उस एक्सप्रेस वे से हमें क्या मिलता है, हम टोल टैक्स कलेक्ट करती है हमारी सरकार। तो ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टू टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेस। नाउ देर इज अ टर्म विच इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक्चुअली जो बजट है हमारा, मैंने आपको बताया था बजट क्या है, बजट का आर्टिकल होता है 112 एंड इट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये दो तरीके, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक हमारी इनकम और एक हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब हमारे एक्सपेंडिचर, जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा होंगे तो हमारा जो बजट है वो माइनस में चला जाता है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हमारे रेवेन्यूज़, मतलब जो इनकम सोर्स है, अगर हमारा इनकम सोर्स कम है हमारे एक्सपेंडिचर से तो हम डेफिसिट में जाते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग द फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। और जब भी फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है इसमें हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब जो हमारा इनकम सोर्स है उस इनकम सोर्स में बोरोइंग को ऐड नहीं किया जाता। माइंड यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू।
What is primary deficit? Primary deficit is a difference between fiscal deficit of the current year and interest payments of the previous borrowing. तो ये होता है फिस्कल डेफिसिट, और इसको पूरे करने के बहुत सारे तरीके गवर्नमेंट करती है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करती है या टैक्स रेट में इंक्रीज कर देती है ना, या अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करती है। ये सारे टूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट करती है अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। टॉकिंग अबाउट टैक्सेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। पहला है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो सिटीजन्स को डायरेक्टली अपनी जेब से पे करने पड़ते हैं, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट पैसा सरकार को देना है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इंडिया में? इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ठीक है। देन कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? व्हेन यू सेल और परचेज एनी एसेट, जब आप अपने किसी एसेट को, जब आप अपने एसेट्स को सेल या परचेज करते हो या बेचते हो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, ठीक है। शॉर्ट टर्म विच इज अगर आप अपने एसेट्स को एक साल के अंदर अंदर बेच रहे हो, लॉन्ग टर्म में अगर एक साल के बाद बेच रहे हो तो आपको उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म जो टैक्स रेट है दैट इज 20% इंक्रीज हुआ है रिसेंट बजट में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 12.5%। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टी टैक्स, देन होता है इनहेरिटेंस टैक्स एंड एस्टेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जो आपको डायरेक्टली अपनी जेब से पे करना होता है। एंड सम इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ये वो टैक्स हैं जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की सर्विसेज में ये वैल्यू एडेड होती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, कोई सामान बाहर से आ रहा है या कोई सामान इम्पोर्ट किया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट जो आपकी MRP रखी जाती है उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब एडेड होता है। देन सर्विस टैक्स, एनी सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है आपको, सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, जैसे अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई सिल्क के ऊपर, जैसे सिल्क के इम्पोर्ट के ऊपर अगर कस्टम ड्यूटी जैसे बढ़ी है तो सिल्क ऑब्वियस सी बात है जो बाहर से सिल्क की आइटम्स होंगी वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, है ना, और एक्सपेंसिव होंगी तो हम उसका प्राइस पे करेंगे तो हम इनडायरेक्टली ये टैक्स उनको दे देते हैं। देन सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड लोकल बॉडी एंट्री टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड फुली इलास्टिक सप्लाई कर्व द कमोडिटी ऑफ एन एक्सोजेनस डिक्रीज डिमांड वुड लीड टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस। नॉर्मली देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड। सो द करेक्ट आंसर इज प्राइसेस ऑफ इनपुट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड। सो आप अपने भी आंसर्स मैच करते रहना, और मेरे आंसर बताने से पहले सब बच्चे ट्राई करेंगे इनका आंसर देने का, एंड कॉमेंट्स में लास्ट में आप अपना स्कोर भी जरूर शेयर करेंगे। सो डिमांड की बात करते हैं, इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने हमें दिया था, एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड इट्स डिमांड। मतलब ये प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है इफ प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। इट सेज दैट इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज देन द डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसके लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं विच इज द लॉ ऑफ डिमांड कर्व, या लॉ ऑफ डिमांड भी जिसको कहा जाता है, यही होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशन होता है, एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इट मे बी कर्वी और अ स्ट्रेट लाइन। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों? क्योंकि इट शोज द इनवर्स रिलेशन। अब पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट शोज, अगर हम न्यूमेरिकली लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस करें तो उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये जो ये ट्राइंगल का साइन है, ये डेल्टा का साइन होता है, चेंज इन डिमांड चेंज बाय प्राइस। इसके अंदर कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? व्हेन वेरी माइनर चेंज इन द प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंजेस इन डिमांड। मतलब अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज किया, क्वांटिटी उसकी इनडेफिनेटली इंक्रीज हो गई, ठीक है, इनडेफिनेटली बढ़ गई, बट इट इज अ इमेजिनरी सिचुएशन, हेंस देयर इज नो एग्जांपल। और इस केस में जो डिमांड है वो इनडेफिनेट चेंज हो गई, सो इसका सिंबल भी इन्फिनिटी होता है। ये होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, व्हेन द चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन डिमांड। मतलब अगर आपने प्राइस को इंक्रीज कर लिया, प्राइस को डिक्रीज कर लिया और उससे डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बट हमने तो पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है,
दैट इज वाई इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी कंडीशन. और इस केस में जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज आया ही नहीं और इसका ग्राफ ऐसा बनता है. ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है. थर्ड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, वेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब चेंज इन डिमांड बड़ा है चेंज इन प्राइस से. जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और प्राइस उतना नहीं बढ़ा तो इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. एग्जाम्पल जैसे लग्जरी आइटम्स के प्राइसेस हैं, एनी पर्टिकुलर आइटम लाइक अमूल मिल्क फ्रूट एट्सेट्रा. मतलब पहले भी मार्केट में, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट में पहले भी 100 लीटर दूध बिकता था अमूल का, जब इसका प्राइस था 95 रुपीज़. और अब भी मार्केट में 100 लीटर ही बिक रहा है अमूल, जबकि इसका प्राइस 102 रुपये हो गया है. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है. तो क्या है, डिमांड में, जब डिमांड में क्या है, रिलेटिवली चेंज है या फिर इवन बढ़ भी जाती है. ठीक है, इवन बढ़ भी जाती है डिमांड, क्योंकि एसेंशियल आइटम है. सो इसकी जो इलास्टिसिटी होती है इट इज ग्रेटर देन आपका 1. देन आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, वेन प्राइस के अंदर जो चेंज आता है वो बड़ा होता है डिमांड के अंदर जो चेंज आए उससे. ठीक है, जब प्राइस के अंदर जो चेंज आता है वो जब डिमांड से बड़ा होता है उसको हम इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. जैसे बेसिक आइटम्स है, मेडिसिन, सॉल्ट. जैसे आप एक मेडिसिन पैरासीटामोल की एक मेडिसिन जो आप लेते थे वो मान लीजिए पहले 5 रुपये की होती थी, तब भी उसके 10 पैकेट बिकते थे. बट आज अगर उसका रेट 20 रुपये भी हो गया तब भी उसके 5-10 पैकेट ही बिक जाते हैं. मतलब डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है पर प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. क्यों? क्योंकि एक ये बेसिक एसेंशियल आइटम है और इसकी इलास्टिसिटी, इसमें जो इलास्टिसिटी है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 और इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक में थी ग्रेटर देन 1. अब तीसरी एक ऐसी कंडीशन आती है जब चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड. जब प्राइस और डिमांड में इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज आता है उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं. और ये भी एक इमेजिनरी कंडीशन है. इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो कुछ ही केसेस होते हैं इसके, 5 केसेस होते हैं. पहला जिसमें ईडी इज इनफाइनाइट, दूसरा ईडी इज 0, देन ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी ये, देन ईडी इक्वल टू 1. ये 3 केसेस ही होते हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं. देन इसके साथ ही एक लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है. लॉ ऑफ सप्लाई आपको जो पढ़ना होता है वो एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. सप्लायर मतलब कि आप एक दुकानदार हो, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एज अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, अगर मैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर दूं, इट क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज. इससे क्वांटिटी सप्लाई जो होती है, जो सप्लाई होती है वो भी इंक्रीज करती है. मतलब इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. क्यों? क्योंकि अगर आप एक दुकानदार हो और पहले आप एक पेन 10 रुपये का बेच रहे थे, 10 रुपये के आप 5 पेन बेच रहे थे, और अगर उस पेन का प्राइस अब 20 रुपये हो गया तो आपकी ये कोशिश रहेगी कि मैं 5 की जगह 15 पेन बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, बिकॉज द सप्लायर वॉन्ट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, सो प्राइस, लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ती है और अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम होती है. और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, द ग्राफ इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग. एंड अगर मैं इसी डायग्राम में एक लॉ ऑफ डिमांड का भी ग्राफ बना दूं जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये डिमांड ग्राफ है और ये सप्लाई ग्राफ है, तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ना, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है. किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे डिसाइड होता है. नाउ देर आर सम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. सम एक्सेप्शंस एग्जिस्ट. वन इज गिफन गुड्स. गिफन गुड्स क्या होते हैं, इन्हें इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है. अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा. कैसे? वो इनवर्स रिलेशनशिप शो नहीं करेगा. दीज आर टिपिकली लो प्राइस स्टेपल्स ऑल्सो नोन एज इन्फीरियर गुड्स. दे आर दोज हु सी अ ड्रॉप इन डिमांड व्हेन इनकम राइज बिकॉज कंज्यूमर ट्रेड अप द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. मतलब अगर कोई इन्फीरियर प्राइस है, जैसे बाजरा ले लेते हैं, ठीक है, बाजरा का अगर मैं प्राइस लो भी कर दूं, इसके आटे का प्राइस अगर मैं लो भी कर दूं, तब भी इसकी डिमांड राइज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फीरियर गुड है, ऑलरेडी इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है. प्राइस नीचे हो गया तो लोग सोचेंगे इसकी वैल्यू और ज़्यादा खराब हो गई है. सो यहाँ पर हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो नहीं होता. सेकेंड इज़ दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट.
The substitution effect turns a product into a given goods. When the price of an inferior goods rises, the demand goes up because consumer use more of it in place of costlier alternatives. एक होता है वेबलिन गुड्स. वेबलिन गुड्स आर एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द इनकम एंड वेल्थ स्पेक्ट्रम. दे आर लग्जरी गुड्स. वेबलिन गुड्स होते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स दैट गेन इन वैल्यू एंड कॉन्सिक्वेंटली जनरेट हायर डिमांड लेवल एज ए राइज इन प्राइस. वेबलिन गुड्स के केस में क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है. द प्राइस ऑफ दीज लग्जरी आइटम्स सिग्नल्स एंड मे इवन इंक्रीज द ओनर स्टेटस. मतलब वो बोलेगा कि अगर पहले मर्सिडीज की जो जी क्लास है वो 2 करोड़ की थी, बट अब अगर वो 2.5 करोड़ की होगी तो वो क्या करेगा, वो लेगा इस गाड़ी को. क्यों? क्योंकि इस गाड़ी से उसका स्टेटस भी और इंक्रीज होगा. देन इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमने पढ़ा ही था, ऑल्सो कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस. द इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट एट विच डिमांड मैचेस द सप्लाई. ये वो होता है जब डिमांड और सप्लाई एक जगह आके मैच करते हैं. प्रोड्यूसिंग अ मार्केट इक्विलिब्रियम दैट्स एक्सेप्टेबल टू बायर्स एंड सेलर. ये वो रेट होता है जिस रेट पे जो सेलर है अपना सामान को बेचता है एंड जो हम कंज्यूमर हैं उस सामान को खरीद सकते हैं. ठीक है, दोनों ना हमें लॉस होता है ना उसको लॉस होता है, दोनों को ही प्रॉफिट ही प्रॉफिट. नाउ देयर आर जनरल ट्रेंड्स इन द डिमांड कर्व. ये डिमांड कर्व में हमें पढ़ने होते हैं और ये होते हैं शिफ्ट या फिर मूवमेंट देखी जाती है जो डिमांड कर्व में. दो तरीके की होती है. पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड एंड उसका ऑपोजिट डिक्रीज इन डिमांड. फिर होता है एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. सो इंक्रीज और डिक्रीज होता क्यों है? इंक्रीज का मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट. जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो, पहले अगर डिमांड कर्व ये है, दिस इज द इनिशियल डिमांड कर्व, और अगर ये डिमांड कर्व शिफ्ट होके अपने राइट में चला जाए तो हम इंक्रीज बोलेंगे, और अपने शिफ्ट होके अगर लेफ्ट में बना दिया मैंने इसको, जैसे नीचे चला गया, तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड. ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इनकम के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो हमारी डिमांड्स भी इंक्रीज होंगी. सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये आपको याद रखना है. डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. अगर मैं सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस भी इंक्रीज कर दूं, सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब कि आप टी कॉफी, अगर इन दोनों में से किसी एक का प्राइस मैंने इंक्रीज कर दिया तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. ये हमने पढ़ा है ना कि अगर चाय महंगी हो गई, चाय का रेट महंगा हो गया तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लोग चाय की जगह कॉफी पीना शुरू कर देंगे. और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, जब सब्सटीट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड भी गिर जाती है. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ब्रेड एंड बटर, एग्जाम्पल. ठीक है, अगर ब्रेड का रेट सस्ता हो गया तो बटर की क्वांटिटी, बटर की डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन फेवर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगेंस्ट द कॉमोडिटी. सो ये होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, जिसका बेसिक फैक्टर है हमारी इनकम के ऊपर. अब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब डिमांड कर्व स्क्वीज हो जाता है. ठीक है, या तो आपने डिमांड कर्व को सिकोड़ दिया या फिर डिमांड कर्व को आपने फैला दिया. ठीक है, ये क्या होता है, इसमें ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होती. सो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइसेस. तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है जब प्राइस में आप चेंज करो. इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है जब आपकी इनकम के अंदर चेंज आता है. ठीक है, एंड अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन कॉन्स्टेंट. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखा जाता है प्रोडक्ट का. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब देखी जाएगी, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू राइज इन द प्राइसेस. कॉजेस फॉल इन ओन प्राइस, तो एक्सटेंड हो जाएगी डिमांड. राइज इन प्राइसेस की वजह से डिमांड सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, द डाउनवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग डिमांड कर्व. डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और इसमें डिमांड कर्व अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा. तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए. ये होता है इनकम की वजह से, इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज से. ये होता है प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो फाइनेंस कमीशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, इनका अगर आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एंड इसका भी करेक्ट आंसर है, दैट इज ए. सो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट
क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करी जा चुकी हैं, और अब जो हमारे पास है वो 16th फाइनेंस कमीशन बना हुआ है। एंड यू विल टेल मी हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो हम 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंडर विच आर्टिकल इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन है इनका चेयरमैन बताना 16 फाइनेंस कमीशन का। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया कौन से आर्टिकल के अंडर इसे बनाया जाता है। दैट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसे बनाया क्यों जाता है? ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से टैक्स शेयर होगा उसका एक फॉर्मूला डिवाइस किया जाए। एंड अमंग द स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स एंड प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स। द कमीशन्स मेन टास्क वर, ये 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो मेन टास्क है वो स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्प प्रोटेक्ट द फिस्कल स्टेबिलिटी रखा गया है। अब इसके कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल टैक्सेस फॉर 2021 टिल 2026 पीरियड इज रिकमेंडेड टू बी 41%। स्टेट्स को 41% टैक्स शेयर किया जाएगा। पहले 42% टैक्स शेयर किया जाता था। ये जो 1% लेस टैक्स शेयर हो रहा है, ये वाला शेयर किसके पास जाएगा? ये शेयर जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पास। ठीक है, दिस इज लेस देन 42% शेयर रिकमेंडेड बाय 14th फाइनेंस कमीशन। द एडजस्टमेंट ऑफ 1% इज टू प्रोवाइड फॉर द न्यूली फॉर्म्ड यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, सो 41% बाकी स्टेट्स को मिलेगा और ये जो 1% है ये जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पास। फॉर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन इट हैज सजेस्टेड 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पे जो स्टेट को शेयर मिलेगा वो 12.5% मिलेगा। 45% टू इनकम, ये डायरेक्ट रेट पूछा गया है। ठीक है, आपसे ये आप अगर क्वेश्चन पे फोकस करें, परसेंटेज वेटेज असाइन टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी गिवन इन द 15th फाइनेंस कमीशन। तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% डिवोल्यूशन देने की बात कही गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से अब डेटा से पूछे जाते हैं। 15% ईच टू पॉपुलेशन एंड 2.5% टू टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स टू द स्टेट्स। स्टेट्स अगर इन एरियाज में इन फील्ड के अंदर कुछ अच्छा रिसर्च अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। कौन कौन सी फील्ड आइडेंटिफाई की गई हैं बाय द फाइनेंस कमीशन? सोशल सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, स्टैटिस्टिक्स एंड पावर सेक्टर। इन ग्रांट्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं हमारी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उनके लिए बेसिक ग्रांट्स आर प्रपोज ओनली फॉर सिटीज टाउन्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 मिलियन। एक जो ग्रांट्स इन एड रखी गई हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा रखा गया है, वो सिर्फ उन पॉपुलेशन के लिए रखा गया है जिनकी 1 मिलियन से 10 लाख से नीचे पॉपुलेशन है, और जिनकी 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है उनके लिए 100% ऑफ द ग्रांट्स आर परफॉर्मेंस लिंक। इन्हें जो अगर ग्रांट मिलेगी वो मिलेगी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, ये किस तरीके से इनकी म्यूनिसिपैलिटीज परफॉर्म करती हैं, और इनकी जो स्कीम रखी गई है द मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज। ठीक है, इन्हें अपनी सिटीज को अच्छे से रिफॉर्म करके रखना है तभी इन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के। और अगर मैं आपको बताऊं तो 16th फाइनेंस कमीशन की अभी तक तो खैर रिपोर्ट पब्लिश क्या ही होनी, वो तो काम करना उन्होंने स्टार्ट किया है, बट इनको जो बोला गया है, इनको बोला गया कि आप हमें अब फॉर्मूला दीजिए, इनकी जो बेसिक बता देता हूँ, फॉर्मूला दीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से हम लोग शेयर करेंगे रेवेन्यू को, किस तरीके से हम अपना पैसा सेंटर स्टेट के बीच में करेंगे। दूसरा, इन्हें कहा गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के लिए भी अच्छे से पैसे वैसे का फॉर्मूला बताइए, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट फंड को भी रिव्यू करेगी 16th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले इन सबका आंसर देख लो, मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर्स फिर बताऊंगा। इसका आंसर इज बी 2 एंड 3। नेक्स्ट इसका आंसर है M1 डेफिनेशन में आते हैं हमारे 2 एंड 4, करेंसीज एंड डिमांड डिपॉजिट्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी में 3 एंड 4 MCLR एंड SDF रेट्स मॉनिटरी पॉलिसीज में यूज किए जाते हैं। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन होता है द प्राइमरी फंक्शन, मतलब जिसके लिए वो बैंक बना है, कमर्शियल बैंक बने हैं उसका प्राइमरी फंक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, सो एजेंसी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें जो बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, उसके लिए बैंक को भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, वो फंक्शंस एजेंसी फंक्शन में काउंट होते हैं।
सो जो इनकम टैक्स का जो पेमेंट है जो आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो, इसका कुछ परसेंट जो है बैंक को भी रिटर्न मिलता है। सो बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करते तो जो सबसे बड़ी हमारी एपेक्स बॉडी है दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कमेंट में आपको मुझे इसका आंसर देना है, क्या आरबीआई जो है वॉज फॉर्म्ड, आरबीआई वॉज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट, ठीक है, अंडर विच एक्ट, ठीक है, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आरबीआई को या आरबीआई का मेंशन किया गया था। इसका आंसर आप लोग मुझे सब बताएंगे। अब आरबीआई के फंक्शंस देखते हैं। आरबीआई क्या है? हमारे लिए एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक का मतलब सबसे बड़ी बैंकिंग बॉडी जो है इंडिया में, सभी बैंकर्स का बैंक, सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। सो इसके कुछ कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। इट इज अ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब जो सर्विसेज आप पीएनबी के साथ करते हैं, जो आप जैसे फॉर एग्जांपल पीएनबी के साथ आप जो भी करते हो, पैसे जमा कराते हो, पैसे निकलवाने जाते हो, ऐसे ही पीएनबी आरबीआई के साथ जो रिलेशनशिप शेयर करता है उसको कहते हैं बैंकर्स बैंक। इसका काम होता है डेवलपमेंट फंक्शंस का, ठीक है, जो बैंक है उसको अच्छे से डेवलप करना, उनकी रेगुलेट करना, ठीक है, उनकी पॉलिसीज को और रिफाइन करना, और ज़्यादा कॉपरेशन बढ़ाना, ठीक है, स्मूथ करना बैंकिंग सिस्टम को, ये काम होता है आरबीआई का। करेंसी इशू करती है आरबीआई, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स, जो भी पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं, बैंकर्स की पेमेंट होती है, ठीक है, कोई बैंक किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा है, एमओयू साइन कर रहा है, तो जो भी पेमेंट सेटलमेंट होता है वो आरबीआई देखता है। मॉनिटरी अथॉरिटी होती है, मतलब मॉनिटरी पॉलिसीज बनाती है आरबीआई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, पैसे को के फ्लो को कंट्रोल करना ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये काम भी आरबीआई का होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है इंडिया का, बैंकिंग सिस्टम, उसको रेगुलेट, मतलब उसकी लाइसेंसिंग, उसका रजिस्ट्रेशन, जो भी देख रेख है वो आरबीआई करता है। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आर कंट्री, जो हमारा देश फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, इन सबको कौन मेंटेन करता है? सब आरबीआई ही मेंटेन करता है। इट इज़ अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स वगैरह करता है, एंड इट ऑल्सो डिटेक्ट्स दी फेक करेंसी, और करेंसी का मैनेजमेंट और उसका फ्लो भी आरबीआई ही देखता है। टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो इसमें मॉनिटरी पॉलिसीज इन्वॉल्व होती हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉनिटरी पॉलिसी, हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। सबसे पहला आता है रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन। इसमें जो आपको कीवर्ड याद रखना है ये होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म होता है रेपो रेट। मैं शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट एक लॉन्ग टर्म भी होता है और बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो रेपो रेट होता है जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एसबीआई का ले लेता हूँ, अगर आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब एसबीआई ने आरबीआई को पैसा दिया, द रेट एट विच आरबीआई बोरो लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, और ये जो रेट होता है वो हमेशा 1% रेपो रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट अगर मान लीजिए 7% है तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा 6% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट होता है बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे जो कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है वो रखना है लॉन्ग टर्म। सो रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म लोन। तो अगर आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो माना जाता है बैंक रेट। देन नेक्स्ट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट इज इन दिस सिस्टम अ बैंक कैन बोरो ओवरनाइट लोन्स फॉर आरबीआई एट 1% हायर देन द करंट रेपो रेट। देन नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? हर बैंक को, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज अपने टोटल कैश का फिक्स्ड परसेंटेज डिपॉजिट आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। किसके पास? आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, और उसका उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये कंपलसरी है, कैश में रखवाना पड़ता है, नो इंटरेस्ट, और ये सिक्योरिटी बेसिस पे वीकली रिवाइज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ताकि कल की डेट में कोई बैंक अगर बंद हो जाए तो आरबीआई उस पैसे से हेल्प कर पाए। नेक्स्ट होता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? एवरी बैंक हैज टू रिजर्व अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट मतलब या तो कैश में रखिए या तो गोल्ड में रखिए, सिर्फ अपने पास, अपने बैंक के पास ही ये डिपॉजिट होता है। तो मतलब सीआरआर जो डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास होता है, एसएलआर जो डिपॉजिट होता है वो बैंक खुद के पास रखता है। एंड नेक्स्ट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। अब आरबीआई किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है,
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे। सो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में हमें लोगों की जेब से पैसा वापस लेना होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन जब महंगाई होती है तो लोगों की जेब में पैसा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लोगों की भी परचेजिंग पावर बढ़ी हुई होती है। तो आप उनकी जेब से पैसा कैसे खाली करोगे, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करके। बैंक रेट इंक्रीज, रेपो रेट इंक्रीज, MSF इंक्रीज, रिवर्स रेपो इंक्रीज, CRR इंक्रीज, SLR इंक्रीज, और जो RBI है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करेगी, लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे और पैसा बैंक में जमा कराएंगे। और डिफ्लेशन के टाइम में क्या होता है, लोगों की जेब में पैसा कम होता है इसलिए मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, तो सारे जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं उनको डिक्रीज किया जाता है। बैंक रेट डिक्रीज, रेपो डिक्रीज, MSF डिक्रीज, रिवर्स रेपो डिक्रीज, CRR, SLR एंड RBI वुड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लोगों से सिक्योरिटी बाय करी जाती है, बदले में उनकी जेब में पैसा आ जाता है। टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एन NBFC, मीनिंग बैंक एक ऐसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो पब्लिक के साथ डील करती है, ठीक है, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। एंड NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। इनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और सबसे की वर्ड जो है इसमें, ये एक कंपनी होती है, इज अ कंपनी। इट इज रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड दे आर रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013 जो रिसेंटली चल रहा है। स्कोप ऑफ बिजनेस, द स्कोप ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड, द स्कोप ऑफ बिजनेस हैज नो बार। नीड ऑफ लाइसेंस, बैंक खोलने के लिए आपको बहुत तगड़ा लाइसेंस चाहिए, बहुत डिफिकल्ट होता है बैंकिंग का लाइसेंस ऑब्टेन करना, और इन लोगों को लाइसेंस ईजिली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपको एक कंपनी ही सेटअप करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे कोई डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दे आर अलाउड FDI। बैंक्स के अंदर 74% FDI अलाउड है, और NBFCs के अंदर 100% FDI अलाउड है। टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन होता है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब लेन देन के काम आता है, ठीक है। सेकेंड, मेजर ऑफ वैल्यू, हर मनी की एक वैल्यू होती है, 10 रुपए के नोट की वैल्यू 10 रुपए ही होगी। सेकेंडरी फंक्शन है, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर आप मनी को स्टोर करके रखते हैं तो वो वैल्यू का काम करता है। इट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ट्रांसफर करने के काम आता है। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। कंटिजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मनी के बेसिस पे हमारे पूरे देश की क्रेडिट क्रिएशन की जाती है। एम्प्लॉइंग फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, जैसे लैंड है, लेबर है, ठीक है, कैपिटल है, ये सब मनी के बेसिस पे किया जाता है। क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड लिक्विडिटी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। अब मनी की ही बात कर रहे हैं तो मनी सप्लाई भी फटाफट से देख लेते हैं। मनी सप्लाई के चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4, और आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें क्या कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। सो M1 इज द ट्रेडिशनल वे, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, और इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसमें होता है हमारे, इसका फॉर्मूला है C+DD+OD। सी स्टैंड फॉर रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, जो हमारी करेंसी होती है। डबल डी स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, और डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं हमारे सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड ओडी के अंदर क्या आता है, ओडी स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट्स, इसके अंदर आता है कि कोई फॉरेन बैंक ने RBI के पास अपना पैसा डिपॉजिट किया है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जैसे IDBI, IFCI ने RBI के पास डिपॉजिट किया हुआ है, या फिर किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक ने कोई चीज़ RBI के पास डिपॉजिट की है। तो इन सब का जो सम टोटल होता है वो हम ओडी के अंदर रखते हैं। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ M1। सेकेंड होता है M2। M2 इज मेजर्ड एज M1। M1 के सारे फैक्टर्स मतलब C+DD+OD, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड होती है, सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं। मतलब सेविंग डिपॉजिट मतलब पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट नहीं होता, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। M3 इज मेजर्ड एज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। मतलब अगर M1 में मैं FD और RD, फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स बोला जाता है, इनको जोड़ दूं तो मेरे पास M3 आ जाएगा। एंड M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा GDP का कंसेप्ट समझ लेते हैं
व्हाट इज रियल जीडीपी एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती है इज अ सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइसेस। मान लीजिए 2024 के मैं जनवरी से लेके अप्रैल का जो क्वार्टर है इसको मेरे को मेजर करना है, तो इसमें जो करंट प्राइसेस है कमोडिटीज का उस पर जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो निकलेगा नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वैल्यूड एट प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस पूरे साल का। मान लीजिए 2023 की पूरी जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो वो बेस ईयर पे कैलकुलेट होती है। इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कवर किया जाता है। एक्सप्रेस्ड इन करंट मार्केट प्राइसेस, एक्सप्रेस्ड इन बेस ईयर मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ जीडीपी, इसकी जीडीपी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि करंट मार्केट प्राइसेस हमेशा बढ़े हुए होते हैं, और इसकी लोअर होती है क्योंकि बेस ईयर कंसिडर किया जाता है। यूज़ क्या होता है कि अगर आपको एक क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के बीच में जीडीपी को कंपेयर करना है तो आप नॉमिनल जीडीपी से यो काम कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू कंपेयर जीडीपी ऑफ टू फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल मुझे 2019 की जीडीपी और 2022 की जीडीपी के बीच में कंपैरिजन करना है, तब मैं रियल जीडीपी का ही डेटा लूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी कैन नॉट एक्सप्रेस इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल रियल जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को भी हमने ऐड किया है। अब अगर मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं, सो इट इज़ नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट होता है? व्हेन वी डिवाइड नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, इससे हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड होते हैं, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फॉर्मूला होता है, व्हेन जीडीपी में आप नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज को ऐड कर देते हो तो हमारे पास ग्रॉस नेशनल इनकम आती है, उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं आई विल गेट माय नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को एक्सप्रेस एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है। आउटपुट मेथड में क्या होता है, जब जीडीपी में अगेन आप नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज को ऐड कर दीजिए और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जब आप जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज और एक्सपोर्ट्स को जोड़ दो, इम्पोर्ट को माइनस कर दो, यू विल गेट ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। इसमें से आप सब्सिडीज को ऐड कर दो और टैक्स को माइनस कर दो, यू विल गेट ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। और लास्ट में डेप्रिसिएशन तो हर उसमें माइनस होता ही है, यू विल गेट योर नेशनल इनकम। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये होती है कि क्या चीज़ ऐड हो रही है कौन से मेथड में और क्या चीज़ डिडक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन आर, इसका आंसर है बोथ वन एंड टू। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, इसका आंसर है ए, ठीक है। एंड वॉट इज मेंट बाई पब्लिक गुड, पब्लिक गुड क्या होता है? इट इज़ अ गुड हूज बेनिफिट्स आर इनडिविजिबली स्प्रेड अमंग द एंटायर कम्युनिटी। ये वो गुड्स होते हैं जो पूरे पब्लिक यूज़ उसको आराम से कर सकती है। सो थोड़ा सा देखते हैं, इन इकोनॉमिक्स अ पब्लिक गुड इज अ गुड दैट इज बोथ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, इन दैट इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स यूज और कुड बी एंजॉयड विदाउट पेइंग फॉर इट। मतलब पब्लिक गुड का अगर मैंने नाम ले लिया तो पब्लिक गुड वो गुड होता है जिसमें हर सिटीजन के लिए वो बनाया जाता है, ठीक है, हर सिटीजन उसको इस्तेमाल कर सकता है इररिस्पेक्टिव कि वो कौन है क्या है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज करने के लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है, वो सर्विस जनरली हमारे लिए फ्री होती है। एंड वेयर यूज बाय वन इंडिविजुअल इट डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर द अदर्स। मतलब अगर किसी एक बंदे ने वो पब्लिक गुड्स का यूज कर लिया तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के लिए वो कम हो गया या दूसरे के लिए रिड्यूस हो गया। गुड्स कैन बी इफेक्टिवली कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली बाय मोर देन वन, जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक लाइब्रेरीज, रोड्स, साइडवॉक्स, ब्रिजेस, पार्क्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो मेरे बगल वाले के लिए लाइब्रेरी कम हो गई या मेरे बगल वाले के लिए बुक्स वहाँ पे ख़त्म हो गई, है ना। सो द गवर्नमेंट मे ऑल्सो सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड कलेक्शन, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे पब्लिक गुड्स। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है व्हेन कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स कॉजेज अ बेनिफिट टू द थर्ड पार्टी। मतलब अगर आप कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो और उसको कंज्यूम होने से किसी का फायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग टू वर्क रिड्यूसेस कंजेशन। मतलब अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो किसी ना किसी के लिए ट्रैफिक की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी सुधर जाएगी। एंड एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी,
व्हेन कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग अ गुड कॉज इज अ कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी, मतलब अगर आपने कोई गुड्स यहाँ पे कंज्यूम किया तो उसका कॉस्ट किसी दूसरे बंदे को देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, एयर ट्रेवल कॉजेज एन इंक्रीज इन द पोल्यूशन, या मतलब अगर आप गाड़ी लेके बाहर निकले हो तो उसका जो पोल्यूशन है वो किसी ना किसी को तो इफेक्ट करेगा. इसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी. नाउ व्हाट आर राइवल गुड्स? राइवल गुड्स इज अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन ओनली बी कंज्यूम बाय वन यूजर और अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स. ठीक है, जैसे पब्लिक गुड्स का, आप इसको पब्लिक गुड्स का ऑपोजिट मान सकते हो. राइवल गुड्स में क्या होता है कि ये वो गुड्स होते हैं जिसको लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स ही यूज कर सकते हैं, या फिर एक यूजर एट अ टाइम ही यूज कर सकता है. द राइवलरी इज अमंग द कंज्यूमर्स हूज कॉम्पिटिशन टू ऑब्टेन द गुड्स कैन क्रिएट अ डिमांड. और ये जो राइवलरी होती है, इसको राइवल गुड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक दूसरे के बीच में कंज्यूमर्स आर राइवल, एक दूसरे के लिए वो क्या करते हैं, आपको भी चीज़ वो चाहिए, दूसरे को भी वो चीज़ चाहिए. इससे क्या होगा? इट विल लीड टू अ डिमांड. इससे क्या बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है मार्केट में एंड कैन ड्राइव अप इट्स प्राइस. अ नॉन राइवल गुड ऑन द अदर हैंड कैन बी यूज साइमल्टेनियसली बाय मैनी कंज्यूमर्स. अ नॉन राइवल गुड मे बी कंज्यूम्ड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम विदाउट एनी प्रेशर ऑन सप्लाई. ठीक है, जैसे राइवल गुड्स है तो राइवल गुड्स में क्या होता है, दो लोगों के बीच में उसकी डिमांड के बीच में राइवलरी होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको भी नाइकी का वही सेम शूज चाहिए और दूसरे को भी नाइकी का वही सेम सेम साइज सेम शूज चाहिए, तो इससे क्या होगा, प्राइस के ऊपर, या क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट आता है. और नॉन राइवल होती है कि दोनों जने आप आराम से यूज कर रहे हो. जैसे इफ यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, अगर आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, चार जने एक साथ बैठ के देख रहे हो, उससे क्या होता है, ना तो सप्लाई के ऊपर प्रेशर ना डिमांड के ऊपर प्रेशर. सो राइवल गुड्स एक्सक्लूडेबल आर प्राइवेट गुड्स. ठीक है, जैसे क्लोथ, फूड, फ्लावर एटसेट्रा, दीज आर राइवल गुड्स. एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं कॉमन गुड्स. एक्सक्लूडेबल वो होती है जो एक बंदा एक टाइम पे यूज कर सकता है, और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं जो आप एज अ ग्रुप यूज कर सकते हो, बट फिर भी इसके बीच में कॉम्पिटिशन रहता है. माइंस, फिशरीज एंड फॉरेस्ट. नॉन राइवल गुड्स में जैसे क्लब गुड्स में आता है आपका केबल टीवी, प्राइवेट पार्क्स, सिनेमास एटसेट्रा. एंड पब्लिक गुड्स के अंदर एयर, न्यूज, सनशाइन, ये सब चीजें आती हैं. रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट को ही कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता WPI इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. देन द सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग स्लोली विद रैपिड इन्फ्लेशन राइजिंग प्राइस लेवल इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन. द सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड डीफ्लेशन. ठीक है, सो इन्फ्लेशन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, देखते हैं क्या होता है इन्फ्लेशन. और यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है. इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यू टू आर परचेजिंग पावर. ठीक है, ड्यू टू विच आर परचेजिंग पावर डिक्रीज, मतलब इन्फ्लेशन वो कंडीशन होती है इकोनॉमी की जहाँ पे प्राइस लेवल जो है वो राइज होता है, मतलब महंगाई बढ़ रही है बेसिकली. मतलब किसी चीज़ का प्राइस पहले 20 रुपये था, अब उसका प्राइस अब 50 रुपये हो गया है, तो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, इसका मतलब उस सामान को आप या तो कम खरीदेंगे या बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे, तो जो हमारी परचेजिंग पावर होती है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. इसका ही ऑपोजिट होता है डीफ्लेशन, व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स डिक्रीज, मतलब पहले कोई चीज़ 50 रुपये की थी, अब वो 20 रुपये की हो गई, एंड इससे हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई. ठीक है, और व्हेन द इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव. रिसेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्लो डाउन इन द फ्यूड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. हेयर लिक्विड्स एंड परचेजिंग पावर बोथ आर प्रेजेंट, बट देर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी. इट हिट्स द लग्जरी एंड इन्वेस्टमेंट एरिया. रिसेशन होता है जैसे हमारे तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, पब्लिक, पहला है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी विच इज मैन्युफैक्चरिंग, टर्जरी विच इज सर्विस सेक्टर. तो अगर हमारे किसी एक सेक्टर या किसी दो सेक्टर के बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास पैसा तो है, हमारे पास परचेजिंग पावर भी है, बट लिक्विडिटी की कमी होती है. मतलब एट द टाइम हम पैसा खर्च कर दें ये नहीं हो पाता. ये लग्जरी और इन्वेस्टमेंट एरिया को इफेक्ट करता है जब रिसेशन होता है. एंड वॉट इज डिप्रेशन? जब हमारी इकोनॉमी के सारे सेक्टर स्लो डाउन हो जाएं, ठीक है, व्हेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी गेट्स हिट, देन देर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी. लोगों के पास पैसे खर्च करने की भी कमी होती है, पैसे की क्वांटिटी भी लोगों की जेब में कम होती है, और परचेजिंग पावर तो नेगेटिव हो ही जाती है. नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन इज अ कंडीशन व्हेन देर इज एन एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी ड्यू टू विच द परचेजिंग पावर बिकम्स निल. और ये वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें ऑलमोस्ट महंगाई 50% के आसपास या 30-50% के आसपास होती है. नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन. इट इज अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टुगेदर एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी. मतलब
इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज हो रहा है, बट इस प्राइस राइज को देखते हुए हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो नहीं होती, इकोनॉमी स्टेल हो रखी है, इकोनॉमी कॉन्स्टेंट है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन? फर्स्ट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब ये अभी छुपके छुपके आपके इकोनॉमी में आ रही है, इसका पता नहीं लगा है। व्हेन द इन्फ्लेशन एग्जिस्ट एट अ वेरी लो रेट बिटवीन 0 to 9%। सेकेंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये वो इन्फ्लेशन होती है जो घोड़े की रफ्तार से दौड़ना शुरू करती है। व्हेन इन्फ्लेशन इज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग। थर्ड होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है, मतलब 50% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है एंड इट इज एक्सट्रीमली हाई, वॉर लाइक सिचुएशंस में देखी जाती है। फोर्थ इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जब इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से बढ़े, व्हेन देयर इज अ राइजिंग डिमांड जिसकी वजह से उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डिमांड पुल। एंड एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, व्हेन द इन्फ्लेशन इज ड्यू टू राइज इन द फैक्टर कॉस्ट। एट्थ इज बॉटलनेक इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू फॉल इन द सप्लाई साइड, मतलब अगर सप्लाई कम है, सप्लाई कम होगी तो लोगों की डिमांड मैच नहीं हो पाएगी जिससे प्राइस इंक्रीज होता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी। कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है जब हम फूड आर्टिकल्स और एनर्जी को अकाउंट में नहीं लेते, एंड इट इज कैलकुलेटेड फॉर लॉन्ग टर्म। और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें फूड आर्टिकल्स और एनर्जी को इंक्लूड किया जाता है, एंड दिस इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो निकालते हैं। दीज आर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर्स एवरेज चेंज इन द रिटेल प्राइसेस। मतलब ये वो प्राइसेस को कैलकुलेट करता है जो एक्चुअल कंज्यूमर पे करता है, ठीक है, जो हम लोग पे करते हैं एक दुकान पर जाके। इन अदर वर्ड्स, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट्स द चेंजेस इन प्राइस ऑफ अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मार्केट बेस मार्केट बास्केट एंड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ वेरिएशन इन फिक्स्ड आइटम्स। इंडिया में तीन तरीके का सीपीआई का डेटा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है वो? दे आर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। पहला है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जिसका बेस ईयर इज 1982, ठीक है। सेकेंड इज सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज जिसका बेस ईयर इज 84-85। थर्ड इज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिसका सीपीआई इज 1986-87। और जो बास्केट होती है, ये बास्केट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि किसका वेटेज कम है, किसका वेटेज ज्यादा है। सो फूड कंस्टिट्यूट 57% वेटेज, पान सुपारी एंड टोबैको 3.15%, फ्यूल एंड लाइट 6.28, हाउसिंग 8.867, क्लोथिंग बेडिंग एंड फुटवेयर 8.5 एंड मिसलेनियस 16%। जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है और एग्रीकल्चर लेबर है, इसको पब्लिश करता है लेबर ब्यूरो विच इज इन शिमला। जो सीपीआई फॉर स्टैटिस्टिकल, जो हमारा नॉन अर्बन मैनुअल एम्प्लॉयज है, इसको सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही पब्लिश करता है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये गिवन है। सेकेंड जो इंडेक्स होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब ये वो प्राइस है जिसमें कंज्यूमर का लेना देना नहीं होता, इसमें जनरल प्राइस लेवल देखा जाता है इकोनॉमी में कि पूरी इकोनॉमी में क्या रेट क्या प्राइसेस चल रहे हैं। सो द होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। द WPI रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। अब इसकी बास्केट में क्या क्या चीजें आती हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स 22%, जिसके अंदर 98 आइटम्स रखी गई हैं। फ्यूल पावर लाइट एंड लुब्रिकेंट्स कॉन्स्टिट्यूट 14%, जिसके अंदर 19 आइटम्स हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट 63.8%, जिसके अंदर 318 आइटम्स के प्राइसिस को देखा जाता है, इनके होलसेल प्राइसिस को देखा जाता है। WPI focuses on the price of goods that are traded between corporations. मतलब जो दो businesses के बीच में जो rate चलता है उस पर focus किया जाता है, ना कि consumer prices पे। The main objective of WPI is monitoring the price drift that reflect the demand and supply in manufacturing, construction and industry. हमारी इन industries में demand और supply किस तरीके से चल रही है, इसको monitor करने के लिए WPI measure किया जाता है। Commodities are broadly classified into following categories, जो कि मैंने आपको बताई हैं। और इसको पब्लिश कौन करता है? द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे पब्लिश करता है। और एक थर्ड इंडेक्स निकलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ये इंडेक्स मेजर करता है हमारे चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ, इसको मेजर किया जाता है।
और इसका जो सेक्टर्स हैं, तीन सेक्टर्स में बांटा गया है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, MME। ठीक है, माइनिंग कंस्टिट्यूट्स 14.37%, मैन्युफैक्चरिंग 77%, इलेक्ट्रिसिटी 7.9%, और इसका जो बेस ईयर है वो 1993-1994 को रखा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023। इसका करेक्ट आंसर है ए, एनलार्जिंग MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशंस। तो एक बार नजर डाल लेते हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। इसके कुछ की हाइलाइट्स मैं आपको बताऊंगा। पहला है नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, NCTF। इंडिया हैज रेटिफाइड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन TFA एग्रीमेंट इन अप्रैल 2016 टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TFA प्रोविजंस। एंड इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी दैट इज नेशनल कमीशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। सेकेंड, DGFT एज अ फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। DGFT has the commitment to function as a facilitator of exports and imports. ये एक government body है जो कि exports and imports को facilitate करेगी। इसका focus किस पे होगा? Good governance, which depends on efficient, transparent and accountable delivery systems. Third, export of perishable agricultural products. To reduce the transaction and handling cost, a single window system to facilitate the export of perishable goods is being facilitated through APDA, आपदा। ठीक है, APEDA एक बॉडी बनाई गई है जो कि ध्यान देगी जो एग्रीकल्चर गुड्स जो खराब हो सकते हैं जल्दी, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इनकी स्मूथ हैंडलिंग हो, फटाफट से इनको एक्सपोर्ट किया जाए, ये बॉडी देखेगी। नेक्स्ट इज निर्यात बंधु एज अ हैंड होल्डिंग स्कीम फॉर न्यू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंटरप्रेन्योर्स। ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नए नए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम शुरू किया है। DGFT इम्प्लीमेंट करेगी निर्यात बंधु स्कीम फॉर मेंटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स ऑन द फॉरेन ट्रेड। ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। DGFT हैज क्रिएटेड अ कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द इशू ऑफ प्रेफरेंशियल एंड नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट्स बाय डेजिग्नेटेड एजेंसीज। इट हाईलाइट्स द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ऐसे टाउन्स को अवार्ड दिया जाएगा, ऐसे टाउन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे एक्सपोर्ट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर रहे हैं, प्लस ई कॉमर्स को बूस्ट जिन टाउन्स में मिल रहा है। सो ये कुछ की फैसिलिटीज हैं, कुछ की हाईलाइट्स हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड की, सो दो अकाउंट्स होते हैं इंडिया में, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है ये हमारी एक तरीके की बैलेंस शीट होती है बिटवीन आर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। जो भी हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है इंक्लूडिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन, देश के बाहर से पैसा आया, देश के अंदर से पैसा बाहर गया, जो भी है, एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ रेजिडेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके कंपोनेंट्स सिर्फ विजिबल आइटम्स, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिर्फ सामान का होता है, और इसके अंदर विजिबल और इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, पैसा भेज रहे हो, पैसा आ रहा है, कोई किसी भी तरीके का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल ट्रांसफर, इट इंक्लूड्स कैपिटल नेचर। स्कोप, बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप लिमिटेड है और इसका स्कोप वाइड है। ठीक है, सेटलमेंट, द नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सेट ऑफ इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लीजिए अगर हमारे इम्पोर्ट ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो हम ये जो नेगेटिव बैलेंस है इसकी पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट से निकाल सकते हैं, इसको सेटल कर सकते हैं। बट नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को कभी भी सेटअप नहीं किया जाता। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसकी पेमेंट BOT से कभी भी नहीं जाएगी। टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, तो तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII जो होता है वो किसमें होता है? वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में होता है। सब चीज़ें फॉरेन हैं। अगर कोई बाहर की कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदती है तो इसका मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ स्टॉक्स ही खरीदे हैं। जैसे एग्जाम्पल 200 करोड़ के स्टॉक खरीद लिए, वेरीज बेस्ड ऑन दी मार्केट। इसका जो रिटर्न है जनरली 10-20% होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आपने इंडियन कंपनीज के शेयर्स या फिर बॉन्ड्स खरीदे हैं, ये भी फॉरेन की कंपनीज करती है, इसमें भी उनके पास कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आता। जैसे 50 करोड़ के शेयर खरीद लिए रिलायंस में, फॉर एग्जाम्पल। देन वॉट इज FDI? FDI में क्या होता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्टली, आपने या तो कोई डायरेक्टली फैक्ट्री सेटअप करी है या फिर किसी एग्जिस्टिंग इंडियन फैक्ट्री में पैसा लगाया है, मशीनरी सेटअप की है, कोई बिजनेस या कोई एसेट खोला है इंडिया में, ठीक है, इससे भी कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता।
जैसे 1,000 करोड़ रुपए फैक्ट्री खोली है, नहीं है ना, ये होता है एफडीआई। एंड एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये हमारे ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत होता है, जो कि ठीक है, इसके अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बताए गए, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होती हैं, जीआई टैग्स मिलते हैं इंडिया में, वो क्या एक तरीके का आपकी प्रॉपर्टी ही है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लेआउट डिजाइंस एंड इंडस्ट्रियल डिजाइंस आर ऑल पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के समिट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सो फटाफट से G20 और इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी December 1, 2022 से November 30 तक रखी थी पिछले साल। 43 हेड्स आए थे इंडिया में और ये लार्जेस्ट डी G20 समिट हुआ है, विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसका जो थीम था, द थीम वॉज वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी प्रायोरिटीज क्या हैं? ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलियंट ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि G20 में, ये जो इंडिया में G20 हुआ था, इसमें नया मेंबर किसको ऐड किया गया था? ठीक है, इसको ऐड किया गया था नया मेंबर, और इसकी नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसके पास है? इसकी नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसके पास है? आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट्स में अभी पॉज करके वीडियो लिखोगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो फटाफट से कुछ कन्वेंशंस और उनके रिलेशन देख लेते हैं, कौन से किन चीजों में वो डील करती हैं। जैसे रामसार कन्वेंशंस डील्स इन दी वेटलैंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इंडिया में टोटल जो वेटलैंड्स हैं उसका नंबर क्या है ये भी आप बताओगे। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर क्या है, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, टोटल बताओ कितना है। ये है वेटलैंड प्रोटेक्शन के ऊपर। देन साइट CITES, इट इज रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बॉन कन्वेंशन, माइग्रेटरी स्पीशीज। मॉन्ट्रियल एंड वियना कन्वेंशन फॉर ओजोन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन। बैजल कन्वेंशन फॉर टॉक्सिक वेस्ट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। UNFCCC फॉर क्लाइमेट चेंज। रियो समिट क्लाइमेट चेंज। UNCCD ड्राई लैंड्स, एरिड जोन्स एंड लैंड मैनेजमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल है कार्बन एमिशंस के ऊपर। रोटरडैम कन्वेंशन फॉर हजार्डस केमिकल्स। स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कार्टाजीना प्रोटोकॉल फॉर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड मीना माटा कन्वेंशन फॉर मर्क्यूरी इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2। एंड इन अ मार्केट वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एंड फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, इसका करेक्ट आंसर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो फटाफट से इसके एक बार फीचर्स देख लेते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। पावर मेकर, मार्केट पावर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, प्राइस जो होता है वो लोग, ये फर्म्स डिसाइड नहीं करती। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब दे ऑल सेल सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सेम दिखने, सेम क्वांटिटी, सेम हर चीज सेम। एक्सेस प्रॉफिट किसी को नहीं होता। एफिशिएंसी यस, एंड दे आर प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब प्राइस जो है कंज्यूमर डिसाइड करता है। सो ये जो कंडीशन है इट इज इमेजिनरी, ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये भी कहा जाता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, कोई एडवर्टाइजमेंट कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो रियलिटी में कंपटीशन आप देखते हैं वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे भी देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, मार्केट पावर सबके पास इक्वल होती है, लो होती है, कोई ऐसा किंग नहीं होता मार्केट का। प्राइस इलास्टिसिटी इज हाईली इलास्टिक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हाई होता है, मतलब अगर आप पेन खरीदने भी जा रहे हो तो आपको सेम रेट पे 10 रुपये में भी ऑलमोस्ट 50 वेराइटीज ऑफ पेन देखने को मिल जाएंगे। एक्सेस प्रॉफिट येस एंड नो बोथ। एफिशियंसी नहीं होती, एंड दे आर ऑल्सो प्राइस मेकर, ये प्राइस मेकर होते हैं। देन मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है? व्हेन देयर इज सिंगल सेलर, जब एक ही बेचने वाला और खरीदने वाले बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन रेलवेज। ठीक है, देयर इज ओनली वन सेलर एंड नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मार्केट पावर ऑफकोर्स मोनोपोली है तो सारी पावर इसी के पास होगी। प्राइस इलास्टिसिटी इज रिलेटिवली इलास्टिक। डिफरेंशिएशन इज एब्सोल्यूट।
सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, प्रॉफिट। जी हाँ, एक ही बेचने वाला, तो प्रॉफिट सारा उसी का होता है, वो ही प्राइस मेकर होता है। एंड नेक्स्ट इज ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में देर आर फ्यू सेलर्स एंड लार्ज बायर्स। फ्यू सेलर्स एंड लार्ज बायर्स, फ्यू फर्म्स होती हैं, मार्केट पावर इज रिलेटिवली हाई, प्राइस इलास्टिसिटी रिलेटिवली इलास्टिक, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेस होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन्स, ठीक है, कार के इंजन बनाने वाली कुछ ही कंपनीज होती हैं। एक्सेस प्रॉफिट यस, एंड दे आर ऑल्सो प्राइस मेकर। अब प्राइस की बात कर रहे थे तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। पहली होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड फॉर दी लूजिंग टू द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप ऑल्टरनेटिव ए में आपने कुछ पैसा लगाया, कुछ एक प्रोडक्ट डेवलप किया, बट आपको उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल गया उस प्रोसेस में, तो जो पैसा आपने उस अच्छे ऑल्टरनेटिव को डेवलप करने के लिए किया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज एक्चुअल कॉस्ट। एंड एक्चुअल कॉस्ट इज द अमाउंट पेड और इनकर्ड एज अपोज टू एस्टिमेट। मतलब ये वो कॉस्ट है जो आप एक्चुअली आपने पे करी, जो एक्चुअली पे करी, ठीक है, ऑन पेपर नहीं, जो जेब से पैसा निकला एक्चुअली में, उसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी है, चाहे आपके पास एक लेबर है तो भी सैलरी फिक्स है, अगर आपके पास 10 लेबर है तब भी आपको सैलरी देनी ही है, ठीक है, चाहे आप एक एक शूज का पेयर बनाओ, चाहे आप 1 लाख शूज के पेयर बनाओ। एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इट डिपेंड्स अपॉन दी कंपनीज प्रोडक्शन वैल्यू। और ये प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर कैसे करती है कि अगर आपकी प्रोडक्शन हाई है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी हाई होगी, अगर प्रोडक्शन लो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी लो होगी। सो जो टोटल कॉस्ट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, सो ये कुछ कर्व्स हैं और आपको पूछ रहा है कि कौन सा कर्व किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड इसका द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सो इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इसकी शिफ्ट होती है, ठीक है, ऐसे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। और इंडिफरेंस कर्व हमें शो करता है हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसकी जो शेप है इट इज कॉन्वेक्स शेप। और जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन का है, और इस पॉइंट से जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, दैट विल शो द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ये शो करेगा। और जितना लीस्ट डिस्टेंस पे होगा वो ओरिजिन से, उतने ही लीस्ट सेटिस्फैक्शन वो शो करेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन एंड वाइस वर्सा। इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बन जाए, ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। टॉकिंग अबाउट सम अदर कर्व्स, सो लॉरेंस कर्व शोज द रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इनकम एंड इनइक्वालिटी, इनकम और इनइक्वालिटी के बीच में दिखाता है। फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। कुज़नेट्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। लैफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सेशन एंड रेवेन्यू। एंड जे कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन योर एक्सपोर्ट्स एंड योर इम्पोर्ट्स। टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं एक ही प्रोडक्ट, जैसे एक पिज्ज़ा का स्लाइस है, डे वन पे अगर मैं आपको पिज्ज़ा खिला दूँ तो आपको उससे मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम यूटिलिटी आपको मिलेगी। अगर सेम डे फिर सेम पिज्ज़ा खिला दूँ तो थोड़ा सा आपको मज़ा कम आएगा, फिर सेम पिज़्ज़ा खिला दूँ तो बिल्कुल ही मज़ा कम आएगा, चौथे दिन अगर मैं दोबारा पिज़्ज़ा आपके लिए ले आया तो आप उस पिज़्ज़ा की तरफ देखोगे भी नहीं। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट्स दैट इफ वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ द सेम कमोडिटी, आर सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड अ पॉइंट रीच वेन वी नो लॉन्गर वॉन्ट्स इट। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ वन कमोडिटी डिक्रीजेस एज एडिशनल यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी इज परचेस्ड। अगर आप एक ही पिज्जा को बार 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 खाते रहोगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहोगे। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल डिक्लाइंस एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस, ठीक है। सो ये बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, ये आपने कुछ मिसलेनियस आइटम्स देखी होंगी, मिसलेनियस टर्म्स देखे होंगे, जिसको देख के आपका सर बहुत दुखता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। सो वरी नॉट, पहले तो इसका करेक्ट आंसर है क्राउडिंग आउट, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है क्राउडिंग इन। अब मैंने क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन क्यों लिया, क्योंकि ये कुछ ऐसे मिसलेनियस टर्म्स हैं जो बच्चों के दिमाग में हेडेक लेकर आते हैं, ठीक है। देर आर टाइप्स ऑफ हेडेक्स, माइग्रेन, टेंशन, स्ट्रेस एंड इकोनॉमिक्स,
जो आप लोगों के साथ अभी हो रहा होगा, बट आई होप इस वीडियो के बाद थोड़ा सा हेडेक आपका कम हुआ होगा। ठीक है, सो क्राउडिंग इन क्या होता है? क्राउडिंग इन अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस द डिमांड एंड एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। क्राउडिंग इन क्या होता है? जब गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसेस, जब गवर्नमेंट की बोरोइंग कम हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अच्छी चल रही है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग एंड रेजेस इंटरेस्ट रेट, डिस्करेजिंग प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग। नेक्स्ट इज पंप प्राइमिंग, इज अ टाइप ऑफ एक्शन टेकन टू स्टिम्युलेट एन इकोनॉमी यूजली ड्यूरिंग अ रिसेशनरी पीरियड थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। जब रिसेशन चल रहा होता है मार्केट में और उस रिसेशन में इकोनॉमी को थोड़ा सा किक स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर करती है, या इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम कर देती है जिससे इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ जाए, उसको कहते हैं पंप प्राइमिंग। नेक्स्ट इज डंपिंग, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री एट लोअर प्राइसेस देन द प्राइस ऑफ सेम गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। मतलब इंडिया सिल्क, फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो सिल्क है वो यूके भेज रहा है, बट जो यूके में जो सिल्क का रेट है मान लीजिए 10 रुपये का है, बट इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 5 रुपये का। मतलब यूके की लोकल मार्केट में जो सामान मिल रहा है और हम उससे चीप रेट पे अगर सामान भेज दें तो इसको बोलते हैं डंपिंग। नेक्स्ट इज डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन इज द डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ अ कंट्रीज करेंसी वैल्यू। जब हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में डीवैल्यूएट हो जाती है, कम हो जाती है, द गवर्नमेंट इशूइंग द करेंसी कैन डिसाइड टू डीवैल्यूएट इट्स करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब पहले जो जैसे एक $1 है, ठीक है, $1 पहले कितने का था? 83 का था, पर मान लीजिए अगर अब $1 क्या हो गया, डिवेल्यूएट हो गया ना, फॉल हो गई, मतलब आप 84 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे $1 के ऊपर, मतलब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं $1 के ऊपर, तो इसको कहते हैं डिवेल्यूएशन। एंड इसी का ऑपोजिट होता है रिवेल्यूएट करना। रिवेल्यूएट मतलब जब हमारी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। इन द रिवेल्यूएशन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस। मतलब पहले आपको 83 रुपीज खर्च करने पड़ते थे $1 को खरीदने के लिए, बट अब आपको 80 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं $1 को खरीदने के लिए। तो ये क्या हुई? थोड़ी सी रीवैल्यू हुई, हमारी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है। नाउ टॉकिंग अबाउट 5 ईयर प्लान्स और उसके थीम्स एट अ ग्लैंस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। सेकेंड प्लान विच वॉज नोन एज पी सी महालनोबिस मॉडल फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। थर्ड जिसको गदगिल योजना बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस। फोर्थ फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फिफ्थ फोकस्ड ऑन पॉवर्टी एलिमिनेशन। सिक्स्थ फोकस्ड ऑन बेसिक स्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी। सेवन्थ फोकस्ड अपॉन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एट्थ फोकस्ड ऑन एलपीजी पॉलिसी। नाइन्थ फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। टेंथ फोकस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इलेवेंथ रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ट्वेल्थ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब आप इन ग्लैंस के बाद फटाफट से इन क्वेश्चन का मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, वीडियो पॉज करके इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर इकोनॉमिक्स रिवीजन। आई होप ये सेशन आप लोगों को फायदेमंद लगा होगा, यहाँ से कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है ना। लास्ट मिनट जो भी आपकी टेंशन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो शायद कुछ ना कुछ हद तक दूर जरूर हुई होंगी। फॉर योर अपकमिंग CDS एंड NDA एग्जामिनेशन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द इनसाइट SSB फैमिली। गो एंड रॉक दिस एग्जाम। जय हिंद, टेक केयर।